बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एकदम जालीदार स्टफ्ड इडली की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इडली टेस्टी के साथ साथ हमारे लिए हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आसानी से और घर में ही रखे नॉर्मल सामान से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा और इतनी अमेजिंग रेसिपी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक पैन में 1.5 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। ऑयल जैसे ही बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो ये 1 टीस्पून मैंने काली सरसों के दाने लिए हैं, ये हम इसमें डाल लेंगे। इसी के साथ ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें जीरा भी डाल रही हूँ। आप इन दोनों में से एक चीज डाल सकते हैं। ये 7 से 8 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां मैंने ले ली है, इनको भी हम इसमें डाल लेंगे। ये लगभग 1 इंच के अदरक के टुकड़े को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट कर ले लिया है। और ये 3 से 4 ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। आपको जैसा तीखा पसंद है आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर ले। बस इन सारी चीजों को हम तेल में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और इनका फ्लेवर जो है वो एकदम बढ़िया से आ जाए। लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हमने इन सारी चीजों को पका लिया है। अब एक बड़े साइज का प्याज मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ले लिया है। प्याज को भी हम इसमें डालकर थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। ज्यादा इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चापन प्याज में रहेगा तो ये खाने में और भी बढ़िया लगेगा। लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने प्याज को भी पका लिया है। अब ये एक बड़े साइज का टमाटर भी मैंने इसी तरीके से बारीक काट कर ले लिया है। इसी के साथ ये 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी फली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसे हम बीन्स भी बोलते हैं। इसके बाद ये पत्ता गोभी का भी मैंने 1/4 हिस्सा बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ही लिया है। आप अपनी पसंद की या फिर जो भी सब्जियां आपके पास इस टाइम घर में रखी हुई है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। बस इन सारी सब्जियों को भी हमें अच्छे से मिला लेना है और ऐसे ही लगातार चलाते हुए इनको थोड़ी सी देर के लिए पका लेना है। बस जैसे ही ये सब्जियां भी हल्की सी पक जाएंगी तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब ये 1 टीस्पून या फिर स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, जिससे इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, जिसका इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है। और ये 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्के से खट्टेपन के लिए। 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हमें वापस से मीडियम कर लेना है और इनको ऐसे लगातार चलाते हुए मसालों को थोड़ी सी देर के लिए पका लेना है, जिससे इन मसालों का अच्छे से कच्चापन भी निकल जाएगा और इनका फ्लेवर भी बढ़िया से आ जाएगा। तो मसाले भी हमने बिल्कुल अच्छे से पका लिए हैं, बढ़िया सी इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है। बस अब इस टाइम पे मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं, जो वजन में 500 ग्राम है। इनको मैंने पहले ही उबाल कर रख दिया था। इनको हमें ऐसे हाथों के साथ थोड़ा सा मैश करते हुए इसमें डाल लेना है। मैशर का या फिर कद्दूकस वगैरह का इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उबले हुए आलू हैं तो ये ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाते हैं। और इस तरीके से मैश करने से आलू का जो एक आधा बड़ा टुकड़ा इसमें रह जाता है वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब पूरी तरह से पेस्ट हमें इन आलुओं का नहीं बनाना है, बस ऐसे हल्का फुल्का सा मैश करते हुए हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो आलू हमारे थोड़े से मैश भी हो गए हैं और बिल्कुल अच्छे से हमने इनको मिला लिया है। बस अब इस टाइम पे गैस को हम बंद कर देंगे और ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डाल लेंगे। अगर आपको भी हरा धनिया पसंद है तो आप भी जरूर डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं। बस हरे धनिए को भी हमने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है और ये आलू की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ एक बर्तन में मैं ये 1.5 कप मतलब 300 ग्राम सूजी ले रही हूँ, जिसे हम रवा भी बोलते हैं। बारीक वाली या फिर मोटे वाली कोई भी सूजी आप इसमें यूज कर सकते हैं। बस सूजी को यूज करने से पहले आपको एक बार छान कर जरूर लेना है। इसके बाद ये 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा बहुत कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये 1/2 टीस्पून जीरा भी मैं इसमें डाल रही हूँ। जीरे का इसमें काफी अच्छा टेस्ट लगता है। और ये बिल्कुल 2 चुटकी मैंने यहाँ पे हींग ले ली है, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। जिस कप से हमने सूजी ली है उसी कप से मैंने ये 1/2 कप दही ले ली है। ध्यान रहे कि दही आपको खट्टे वाली यूज करनी है। अगर दही आपके पास खट्टे वाली नहीं है तो
तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। बस आपको इसमें बिल्कुल 2 चुटकी सिट्रिक एसिड डाल लेना है, जिससे इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। तो ये सारी दही मैंने इसमें डाल दिए। अब पहले दही को ही हमें सारे मिक्सचर में अच्छे से मिला लेना है। और दही हमें इसमें खट्टी ही क्यों चाहिए, उसका रीजन मैं आपको आगे बताती हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो ये लीजिए, दही को हमने सूजी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब उस दही वाले कप में मैंने ये 1 कप पानी भी ले लिया है। ये सारा पानी हमें इसमें डाल देना है। मैं इस 1 ही कप के साथ आपको सारा मेजरमेंट बता रही हूँ, ताकि आप भी कोई कटोरी सेट कर ले और उससे आपको ये मेजरमेंट लेने में बिल्कुल आसानी हो जाए। इस सारी सूजी को हमें पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। ध्यान रहे कि कोई गुठलियां इसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि सूजी जो है वो काफी मात्रा में पानी सोखती है। तो इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे सूजी बिल्कुल अच्छे से पानी को सोख ले और फूल भी जाए। इतने में मैंने यहाँ पे नॉर्मल सेम साइज की 4 कटोरियां ले ली हैं, क्योंकि इडली स्टैंड तो हम सभी के पास होता नहीं है, लेकिन ऐसी नॉर्मल सेम साइज की कटोरियां तो मोस्टली हम सभी के घरों में होती है। बस इन्हीं में हम ये स्टफ्ड इडली बनाकर तैयार करेंगे। आपको इसके लिए कोई भी इडली स्टैंड वगैरह मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, घर के नॉर्मल बर्तनों में ही आप बिल्कुल परफेक्ट इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इन सभी कटोरियों में हमें बिल्कुल अच्छे से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से हमारी इडलियां इसमें नीचे चिपकेंगी नहीं। अब ये एक बड़े साइज की कढ़ाई भी मैंने ले ली है। आपके पास कोई भी बड़ा बर्तन है उसका आप यूज कर सकते हैं। इस कढ़ाई में हम सबसे पहले लगभग 1 लीटर पानी चढ़ा लेंगे। पानी चढ़ाने के बाद ये एक इस तरीके का स्टैंड मैंने ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी कटोरी को उल्टा करके इसमें रख लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ऊपर से हम इसको ढक देंगे और पानी को बिल्कुल अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये कढ़ाई को गर्म करना और कटोरी में ऑयल लगाना, ये दोनों काम आपको मिक्सर तैयार होने से पहले ही करके रखने हैं। अब हम अपने मिक्सर को देख लेते हैं। इसको भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए, मेरे मिक्स करने से आपको पता चल रहा होगा कि मिक्सर जो है वो पहले से काफी गाढ़ा हो गया है, मतलब सूजी ने काफी मात्रा में पानी सोख लिया है। इस मिक्सर की कंसिस्टेंसी सही करने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये 1 कप पानी तो मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको सही से ये मेजरमेंट बता पाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 कप पानी सारा ही इसमें डाल देना है। बस ऐसे ही बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसमें डालें और इस मिक्सर को बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर लें। तो मिक्सर हमारा तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके का हमारा ये बैटर होना चाहिए। मतलब ये एकदम गाढ़ा सा और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर है। ये इतना बैटर बनाने में हमने जो 1 कप पानी लिया था उसमें से हमारा 1/4 कप पानी यूज हुआ है। सूजी मोटी या फिर पतली होने के कारण आपका 1-2 चम्मच पानी ऊपर नीचे हो सकता है। बस अब ये मिक्सर तैयार होने के बाद ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ। वो खट्टी दही हमने इसमें क्यों डाली थी उसका रीजन आप अब जान लीजिए। ये मीठा सोडा जो है वो खट्टे के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये मीठा सोडा आपको इसमें तभी डालना है जब आपकी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है और वो इडली बनाने के लिए बर्तन में ऑयल भी लग गया है। बस अब इस मिक्सर को हमें इन कटोरियों में डाल लेना है। तो पहले हम इन कटोरियों में 1.5 बड़ा चम्मच मिक्सर डालेंगे। सारी कटोरियों में मैंने 1.5 बड़ा चम्मच मिक्सर डाल लिया है। अब ये आलू की मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये टिक्कियां बनाकर ले ली है, जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी बस उसी को मैंने अच्छे से बाइंड कर लिया है और ऐसे छोटी छोटी इसकी टिक्कियां बना ली है। इन टिक्कियों को हमें एक एक करके इस बैटर के ऊपर रख लेना है। तो हर कटोरी में हम ऐसे ही एक टिक्की रखेंगे और इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। ऊपर से भी इन सभी कटोरियों में हम उतना ही सेम क्वांटिटी, मतलब 1.5 बड़ा चम्मच ही मिक्सर डाल लेंगे। बस सभी में मिक्सर डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा ऐसे शेक कर लेंगे, जिससे सारी कटोरियों में मिक्सर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और हमारी कढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें हमें ये कटोरियां रख लेनी है। बस इसको सेट करके ऊपर से हमें वापस से ढक देना है,
और 20 मिनट के लिए इनको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इडली हमारी कितनी अच्छे से फूल गई है। एक स्टिक के साथ या फिर किसी चाकू के साथ हम इसको चेक कर लेंगे। बस ये स्टिक आपको इसके अंदर डालकर देखनी है, अगर इस पे कुछ भी लगकर बाहर नहीं आया तो इसका मतलब इडली हमारी बिल्कुल बढ़िया से पक गई है। बस अब हमें इन इडली को बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो इडली हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी भी हो गई है। अब एक चम्मच के पीछे वाले हिस्से से या फिर किसी चाकू का भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इडली को इसमें से निकाल लेंगे। वैसे मुझे ये चम्मच वाला तरीका ज्यादा सही लगता है क्योंकि इससे इडली बिल्कुल इजीली बाहर निकल आती है। अब कटोरी को आपको उल्टा करके टैप टैप करना है और ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम जालीदार सॉफ्ट और स्पंजी हमारी ये इडली बनकर तैयार हुई है। देखने में ये इतनी ज्यादा परफेक्ट और टेस्टी लग रही है तो एक बार मैं इसको आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। इसको हम बीच में से बराबर बराबर हिस्सों में काट लेंगे, लेकिन चाकू को थोड़ा आगे पीछे करते हुए आपको इसको काटना है। और ये देखिए, शायद इसको देखते ही तो आपको अभी इसको खाने का मन कर गया होगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।